फॉलोअर 1.1 मिलियन थी, विद इन अ मिनट वो अकाउंट डिसेबल हो चुका है। हाई गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम रैना एंड आई एम रेनुका, और आज हम बहुत बड़ी न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंक्लूडिंग टिकटॉक, हमारी गवर्नमेंट ने 59 एप्स जो कि चाइनीज थी उन्हें बैन कर दिया है कंट्री से, जो कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेटा लीकेज एंड प्राइवेसी ऑफ पीपल को देखते हुए किया गया है। आप सबको पता ही होगा बॉयकॉट चाइना ने कितना जोर पकड़ा हुआ है आजकल इंडिया में, और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया था। एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर कुछ इंडियन सोल्जर चाइनीज सोल्जर के थ्रू मारे गए थे, तो उसी के बाद ये बहुत बड़ा इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है एंड वी रियली अप्रिशिएट इट। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू वॉचिंग आर चैनल, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल। और अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज डू फॉलो अस, लिंक हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो 59 एप्स आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इसके अंदर मेन एप्स थी लाइक टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, शीन, लाइकी, कैम स्कैनर, क्लब फैक्ट्री, ब्यूटी प्लस, ये सारी बैन हो चुकी है। शीन तो पता भी नहीं था कि चाइनीज ऐप है, मुझे लोगों को पता होगा। देन इसके बाद टिकटॉक में ही एक गवर्नमेंट अकाउंट बना हुआ था माई गवर्नमेंट इंडिया के नाम से, जिसकी फॉलोअर 1.1 मिलियन थी, और बेसिकली वो बॉयकॉट चाइना के लिए बनाई गई थी। जैसी अनाउंसमेंट आया कि इन एप्स को बैन किया जा रहा, विद इन अ मिनट वो अकाउंट भी डिसेबल हो गया, डिसेबल हो चुका है। नाउ अब आते हैं एप्स के ऊपर। फर्स्ट टिकटॉक, तो टिकटॉक के अंदर बेसिकली क्वालिटी मिल रही थी, फीचर्स अच्छे मिल रहे थे। अगर आपको पता है उसके अल्टरनेटिव में कोई उसके उतनी ही क्वालिटी प्रोवाइड कर सकती है ऐप, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। तो पहले भी पास्ट में ऐसा हो रखा है कि टिकटॉक बैन कर दिया गया था, जिन लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टॉल थे टिकटॉक, वो यूज कर पा रहे थे, बस नए यूजर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे टिकटॉक को, प्ले स्टोर से गायब हो गया था, बट कुछ दिनों बाद वो दोबारा आ गया था। तो देखते हैं इस बार भी ऐसा होता है या वो परमानेंटली बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। प्रीवियस वीडियो पे जैसे मैंने मेंशन किया था कि अगर इतना ही है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन करती, तो फाइनली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और गवर्नमेंट ने ही सारी एप्स को ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट आता है शेयर इट। इस टाइम पे हर किसी के फोन पे शेयर इट होगा। जब से शेयर इट इंट्रोड्यूस हुआ था, लोगों ने ब्लूटूथ यूज करना ही छोड़ दिया, क्योंकि ब्लूटूथ बहुत टाइम कंज्यूमिंग था एंड शेयर इट विद इन अ मिनट आप बड़ी से बड़ी वीडियो, ज्यादा से ज्यादा पिक्स आप शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है शी। एक्चुअली शीन ऐप मैंने लास्ट ईयर ही डिस्कवर करी है, बहुत ही अच्छी ऐप है, जो आपको अफोर्डेबल प्राइस में एक स्टाइलिश और फैशनेबल क्लोथ प्रोवाइड करता था। लाइक लास्ट टाइम मैं फुकेट गई थी, तो मैंने अपने ऑलमोस्ट क्लोथ शीन से ही परचेज किए, क्वालिटी भी अच्छी थी काफी, एंड क्वालिटी भी काफी अच्छी प्रोवाइड करते थे। अब आज ही हमें पता चला है शीन चाइनीज ऐप है और वो भी ब्लॉक हो गई है। तो देखते हैं, अगर आपको उसका अल्टरनेटिव पता है जो उसी अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी हमें प्रोवाइड करे, तो प्लीज मेंशन इट, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट मैंने यूज कर रखा है, मुझे वो क्वालिटी नहीं मिली है उनमें, और ना ही उतने स्टाइलिश क्लोथ मिले हैं। देख नेक्स्ट आता है लाइकी। लाइकी एक टिकटॉक की जैसी ऐप है, वो भी बैन हो चुकी है। नेक्स्ट कैम स्कैनर। कैम स्कैनर लाइक जो भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, या डॉक्यूमेंट किसी को अपलोड करना होता था स्कैन करके, तो कैम स्कैनर एक बहुत ही अच्छी ऐप थी उन लोगों के लिए। रिसेंटली मैंने एक असाइनमेंट अपना सबमिट किया है ऑनलाइन कैम स्कैनर के थ्रू, पूरा स्कैन करके, अब वो भी ऐप नहीं रहेगी, तब उसका अल्टरनेटिव यूज करेंगे, बट कैम स्कैनर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रही थी, जो कि सबसे ज्यादा मेन है। ब्यूटी प्लस। ब्यूटी प्लस हर किसी को पता होगा, मेनली गर्ल्स को करता क्या है? नहीं, बॉयज ही यूज करते हैं आजकल तो। ब्यूटी प्लस का बात, ब्यूटी प्लस की बात यह है कि वो पिक्चर क्वालिटी नहीं घटाती थी, उससे आपको आप एडिट करते हैं पिक्चर, उसके बाद भी आपको एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही कम ऐप्स में। आप जैसे ही फिल्टर यूज करते हैं या कोई फीचर यूज करते हैं आपका, वो आपकी पिक्चर क्वालिटी घटा देती है, बट ब्यूटी प्लस में आपकी क्वालिटी घटती नहीं थी, ये बहुत अच्छी चीज थी, बहुत बड़ा पॉइंट है। तो 29 की शाम को ये न्यूज आई है कि ये एप्स बैन हो चुके हैं, तो अभी रात के 1 बज रहे हैं, 30 जून हो चुका है, तो हम चेक कर लेते हैं प्ले स्टोर, मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले टिकटॉक, तो टिकटॉक शो हो रहा है, सेकंड चेक कर लेते हैं, शीन करो भाई, शीन, तो शीन भी अवेलेबल है अभी तक। इसके बाद चेक कर लेते हैं शेयर इट, शेयर इट भी अवेलेबल है अभी, तो मे भी ऐसा हो सकता है अभी शाम को ही न्यूज आई है, तो शायद कुछ टाइम लगे इनको ब्लॉक होने पर, प्ले स्टोर में अभी ये अवेलेबल है सारी की सारी एप्स।
तो ये थी एप्स की बात। अब आते हैं पबजी। बहुत ही बड़ा टॉपिक बना हुआ है कि 59 एप्स को ब्लॉक किया जा रहा है, तो इसमें पबजी को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली जो पबजी है वो कोरियन गेम मेकर के थ्रू बनाई गई थी। तो ये पीसी वर्जन था जो कोरियन मेकर ने बनाया था, वो पीसी वर्जन था। बट जो मोबाइल वर्जन आया है पबजी का, वो चाइनीज कंपनी ने ही डेवलप किया है। तो टेक्निकली देखा जाए तो चाइनीज ऐप ही है जो फोन पे पबजी यूज करते हैं। तो मेरा भी क्वेश्चन है, पबजी क्यों नहीं ब्लॉक हुआ जब सारी ऐप ब्लॉक हुई है? चीन का अल्टरनेटिव है वो तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, शॉर्ट एंड क्रिस्पी। सो जैसे मैं कहती हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और अगर आप लाइक सब्सक्राइब कर चुके हैं और आप अपना पूरा एफर्ट दे चुके हैं, तो आप प्लीज लाइक जरूर करवाइए, कमेंट जरूर करिए।